अभी यहाँ मेहरबानी एक तो होटल तक जाने हुए ना मेहरबानी तो बहुत सी है। आपने तो आधा घंटा भी सफर नहीं किया। उधर उधर आ जाना। हाँ हाँ ठीक है। आज सनम यहाँ पहुँच चुके हैं जी। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पाकिस्तान के लीडर का जो चैम्बर है उसमें जाके फिर आप आ जाए बैठे जो समझदार है वो दब गए। किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं हुई, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले अपने अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मैं शुरू दिन से ये कह रहा था कि मुझे पाकिस्तान की अदलिया पे पूरा भरोसा है और हमने उसी भरोसे पे 14 महीने में से ज्यादा इंसार किया है और आज अल्लाह ने हमारे सदर का नतीजा देते हुए हमें उस मुश्किल वक्त से निकाला है, जिसके लिए मैं अल्लाह का और अदलिया का और आप सब दोस्तों का जिन्होंने इस पूरे मुश्किल वक्त में हमारे साथ रहे और हमें दुआएं आपकी जो सपोर्ट थी और आपकी जो दुआएं थी उसने हमें हौसला दिया और आज हम अल्लाह के करम से बगैर किसी मुफाहमत के अपने असूलों के ऊपर कानून से रिलीज लेने में कामयाब हो गए। इधर 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 जी, इस वक्त आप देख सकते हैं सनम जावेद वकील मियां अली शफाक साहब, आपकी इस बारे में बड़ी आपकी वीडियो की ट्रोलिंग की जा रही है, बल्कि आपने जवाब भी दिया है। दूसरे नून के सोशल मीडिया जो है सनम और आपकी वीडियो जो है वो बना के पेश कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? बात ये है कि ओपन प्रोसीडिंग कोर्ट प्रोसीडिंग है, बिल्कुल शी इज़ लाइक आई यंगर सिस्टर टू मी, छोटी बहन है। और ये जो ट्रोलर्स हैं, अल्लाह इनको जजा दे, अल्लाह इनको हदायत दे, इनको थोड़ी सी शर्म और हया भी आनी चाहिए कि जो फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करते हैं या इस तरह की मैनिपुलेशन करके इस तरह की हरकतें करते हैं। इट इज़ एब्सोल्युटली नथिंग बट दे दी करेक्टर दैट दे शो, अपना किरदार जो है वो वाजे करते हैं। और अगर इस तरह किसी के दिल को सुकून मिलता है या उसको रात की नींद अच्छी आती है तो वो फिर इसको चला के रखे। और एट द सेम टाइम अभी तो चलें एज अ कॉशन, सिर्फ एक मरतबा जो है वो अपना मौकफ दिया है, बट एट द सेम टाइम जो है वो इंशाल्लाह इसको फिर इफेक्टिवली प्रोसीड भी किया जाएगा लीगली। और फिर इन लोगों की जो चीखें हैं आपको आसमान पे वो नजर भी आएंगी अगर मैंने इनके खिलाफ लीगली प्रोसीड किया तो। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सनम जावेद को बोलने से जो है वो मना कर दिया गया, तो आज के इस हवाले से कुछ कहेंगे क्या इसको? आपसे मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो बात बताऊंगी। आपका बड़ा अच्छा सवाल है, याद रखिएगा कि जो इस तरह की नोयत के मुकदमात अदालत में आते हैं, अदालतें फ्रीकैन को, किसी एक फरीक को नहीं, फ्रीकैन को ये हमेशा एडवाइस करती हैं, सजेशन देती हैं या कॉशन करती हैं कि कभी भी जो पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग है, यानी कि जो अदालती कार्रवाई है, इस पे कोई ये ना समझे कि असरअंदाज होने के लिए कोई बयानबाजी की जा रही है। तो ये कॉमन ट्रेडिशन है और एक कॉमन नॉर्म है जिसकी बेसिस पे जो है उस तरह की डायरेक्शन आती है, कोई स्पेशल चीज नहीं है। थैंक यू। आप देख सकते हैं वो सामने वालिदा खड़ी है और थोड़ा सा मोबाइल पीछे करने विक्ट्री के लिए। अच्छा सनम, ये बताइएगा कि तैयबा राजा का लास्ट इंटरव्यू है, उसके ऊपर कोई कमेंट करेंगी? आपको कुछ बनूंगा तैयबा राजा आपके खिलाफ क्या बोलेंगे? इसकी मुस्कुराहट टीवी की और लोगों की क्या चल रहा है क्या नहीं, बाहर दो दिन का हम पीछे पीछे आप सनम जावेद आपके ऊपर बोलने से पाबंदी गई। हेलो, आज ये पाबंदी खत्म हो जाएगी? सच कर दो। हाँ हाँ करा लिया। Yeah.
रिहा होने के बाद आज जस्टिस भूषण की अदालत अभी पहुँचेंगी। ये नादर आप देख सकते हैं, सनम जुबेद और उनके वकला, उनके बच्चे सब यहाँ मौजूद हैं। अब सनम जुबेद के बच्चे भी आज उनके साथ यहाँ पे आए हैं अदालत में पहुँच रहे हैं। उनको 3 दिन के लिए जो है वो मना किया गया था कि आपने बोलना नहीं है। ये जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत में जो है ना उनको आज यहाँ पे पेश किया जा रहा है। ये मनाजर है यहाँ पे इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सनम जावेद को जो है वो यहाँ पे पेश कर दिया गया।